साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज बात करते हैं भाई दुबई यूएई से रिलेटेड। यूएई गवर्नमेंट ने कुछ कल से, आपको पता है आपके रमजान स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरी तरफ से मुस्लिम भाइयों को पहला रमजान मुबारक हो और रिक्वेस्ट ये करूंगा। साथियों गवर्नमेंट ने भी आदेश दिए हैं, मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको अपना जो नमाज अदा करनी है फेस्ट वो आपको करनी है, बाकी आपको रमजान के जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरा फॉलो करना है। इफ्तार पार्टी बिल्कुल, आपको पता है दुबई गवर्नमेंट ने बिल्कुल गैरकानूनी इसको दिया गया है। पहले होता क्या, आपको पता ही, हर जगह हर त्यौहार में होता है 5-10 लोग इकट्ठा बैठ के खाना खाना, अपने रिश्तेदारों को बुलाना वगैरह वगैरह, वो सिस्टम बंद कर दिया गया है। अगर आप करते हुए पाए गए तो भाई भारी जुर्माना आपको चुकाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग करके अपने जो रमजान का पाक महीना, एक महीना आराम से निकालिए, क्योंकि दुबई के हालात यूएई के खतरनाक होते जा रहे हैं। साढ़े कोरोना की बात करें, 8,500 प्लस अभी तक केस पॉजिटिव दुबई में हो चुके हैं, उसमें से 56 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और लगभग 1600 से प्लस अभी तक रिकवर हो चुके हैं। दुबई में साथियों कुछ इमरजेंसी कामों में इलेक्ट्रिशियन से संबंधित या मेंटेनेंस से संबंधित कुछ चीज़ों में छूट दी गई है कि आप नाइट शिफ्ट में वो काम कर सकते हैं। ये कुछ मजबूरियों के चलते गवर्नमेंट ने ये छूट की घोषणा की है। कुछ मॉल, सुपर मॉल्स वगैरह भी खुलेंगे जिसमें निश्चित क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, वो उसमें भी कुछ छूट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। आपको पता है साथियों कल 24 अप्रैल से रमजान स्टार्ट हो रहे हैं, तो यूएई गवर्नमेंट ने पहल करते हुए दुबई के जो राजा हैं शेख साहब, उन्होंने 1 करोड़ यानी 10 मिलियन खाने का जो पैकेट वगैरह बांटने का जो ऐलान किया है। तो मेरे भाई जो खाने की जिनको प्रॉब्लम आ रही है, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उधर आपको थोड़ा दिमाग लगा के सेटिंग करके किधर से क्या खाना मिलेगा वो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो महीने तक के 10 करोड़ खाने के पैकेट गवर्नमेंट की तरफ से बांटे जाएंगे, तो उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खाने की प्रॉब्लम सब लोगों को आती है, बहुत सारे लोग वहां पे जो खाने के लिए दिक्कत होती है, तो वो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करें। बेस्ट न्यूज़ है ये है साथियों कि कल 24 अप्रैल से रमजान महीना स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले गवर्नमेंट ने 23 अप्रैल को घोषणा करते हुए 124 कैदियों को रिहा किया है। जो कैदी अंदर थे किसी भी रीजन में, जो अच्छे व्यवहार जिनको उनको था, उनकी वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया है कैदियों को। आगे हम बात करते हैं साथियों, जैसे एक्सपो 2020 था इसको बढ़ा दिया गया। आपको पता है भाई कोरोना है, सबको ले बैठेगा 2020 में, बर्बाद करके सबको छोड़ने वाली इसने सौगंध खा रखी है। यही है यूएई गवर्नमेंट के, दुबई गवर्नमेंट का इतना खर्चा, अरबों का इसमें खर्चा हुआ था, लेकिन सब पे पानी फेर के 2021 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन नाम इसका 2021 नहीं रहेगा, 2020 रहेगा। मेन अपडेट साथियों ये थी कि जो दुबई में जो लोग बैठे हैं भाई वीजा से रिलेटेड, जिनके जो विजिट वीजा में है, जो वर्क परमिट वीजा में है, कंपनी ने निकाल दिया, तनख्वाह नहीं दे रही है, काम जॉब नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि शायद कल परसों की ये घोषणा है, मैं एक दिन बाद आपको ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भाई गवर्नमेंट ने सख्त हिदायत कंपनियों को दी है कि जो वर्करों की सैलरी डिटेक्शन नहीं होनी चाहिए, सैलरी नहीं काटी जानी चाहिए, उनको जबरदस्ती जॉब से नहीं निकाला जाना चाहिए, उनकी सहमति हो तो उनको आप छुट्टी देके आप भेज सकते हो, बाकी जबरदस्ती आप उनको नहीं निकाल सकते। फिर भी गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है, आप वर्क परमिट आपके पास है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी में काम नहीं है, या वो कंपनी आपको निकालना चाह रही है, वो भेजना चाह रही है, या आप उससे निकलना चाह रहे हो, तो गवर्नमेंट ने एक अस्थायी वर्क परमिट 3 से 6 महीने का बना के दे रही है। उस वर्क परमिट में आप, वो वर्क परमिट लेके आप दूसरी अगर आपकी नजर में कोई कंपनी है उसके पास काम है, तो 3 से 6 महीने आप उस कंपनी में काम कर सकते हैं जब तक ये महामारी ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद जैसे ये कुछ ठीक होते हैं हालात, तो आप अपनी कंपनी में वापस ज्वाइन कर सकते हैं। ये दुबई गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट ने अच्छा ऑप्शन दिया है, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट न्यूज ये निकल के आ रही है। और भाई विजिट वीजा का आपको पता है, आप तो काम करना तो दुबई में, यूएई में इलीगली है, विजिट वीजा में काम नहीं कर सकते। इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसमें विजिट वीजा वालों की क्या प्रॉब्लम आ रही है, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे अपना रहेगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, मेरे हिसाब से 5-6 टॉपिक मैंने बताए, आपको अच्छे लगेंगे, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज आपको दुबई यूएई से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी यहां पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।